हमने मोदी जी के 10 साल के नेतृत्व में भारत की राजनीति को बदलते हुए देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति, भारत की राजनीति की परिभाषा, भारत के राजनीति का चाल चरित्र, रंग ढंग, ये सब कुछ बदल डाला है और भारत को महान भारत की ओर ले जाने का रास्ता प्रशस्त किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, नौजवानों से मेरा निवेदन है, जरा जोश संभाल के रखो, मेरी बात सुन लो, बैठ जाओ। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले राजनीति क्या थी। एक साधारण मनुष्य, एक साधारण नागरिक, साधारण मानवी ये मान बैठा था कि भारत में कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही चलेगा, राजनेता ऐसे ही होते हैं, हमको तो इनको सहना पड़ेगा। क्या 10 साल पहले ऐसी उदासीन मानसिकता साधारण आदमी की थी कि नहीं थी? बोलो, थी कि नहीं थी? आज वही भारत मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ चल पड़ा है कि भारत बदल रहा है और हम विकसित भारत की ओर ले जाकर के इसको रखेंगे। चाल चरित्र, पहले राजनीति क्या होती थी? जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, इलाके की राजनीति, ये पहाड़ का है, ये मैदान का है, ये इस पार का है, ये उस पार का है, ये नदी के इस पार का है, ये नदी के उस पार का है। हमने 70 साल भाई को भाई से लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाई, इलाके को इलाके से लड़ाया, फूट करो और राज करो, यही उद्देश्य लेकर के राजनीति होती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति एक ही मंत्र पर चल पड़ी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इस मंत्र के साथ विकासवाद की राजनीति शुरू हो गई। विकासवाद की राजनीति, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। आज कोई भी नेता आता है तो उसको अपना रिपोर्ट कार्ड रखना पड़ता है, आज कोई भी नेता आता है तो उसको जवाबदेही लेनी पड़ती है। एक जिम्मेवार सरकार, एक जिम्मेवार राजनीति, यह राजनीति का अंतर इसलिए आया क्योंकि मोदी जी ने भारत की राजनीति की परिभाषा, संस्कृति, रंग ढंग बदल डाली है। इस बात को हमको समझना चाहिए। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।